हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष कश्यप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि अकाउंट डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं ये वाला अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाला अकाउंट इसमें लॉगिन कर रखा है और यहाँ पर प्रोफाइल में हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ से सेटिंग पर। उसके बाद हमें यहाँ से जाना है हेल्प में। इसके बाद हम क्लिक करेंगे हेल्प सेंटर पे। दोस्तों, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करनी है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर 3 लाइन इन पे क्लिक करेंगे ऊपर। तो दोस्तों, इसके बाद हम क्लिक करेंगे मैनेज योर अकाउंट पर। यहाँ से आप देख सकते हैं डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डिलीट योर अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हमें ये कोई रीज़न सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ से एक रीज़न सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट अ सेकंड अकाउंट। तो ये वाला रीज़न हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब हम अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद डिलीट करना है, तो उसके नीचे आप कुछ डेट देख सकते हैं, अप्रैल 27। तो जो ये डेट है, मुझे तो इस डेट से पहले अपना अकाउंट फिर से लॉगिन नहीं करना। अगर मैं इस डेट से पहले अगर मैं ये वाला अकाउंट अगर लॉगिन कर लेता हूँ तो ये जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा, ये फिर से रिकवर हो जाएगा। ये 27 अप्रैल तक हिडन रहेगा अकाउंट, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और उसके बीच में अगर मैंने इसमें लॉगिन किया तो ऑटोमेटिकली जो हिडन था ये फिर से शो होने लग जाएगा और ये रिकवर हो जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो ये अकाउंट आपको फिर से लॉगिन नहीं करना है। मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ओके कर दूँगा। यहाँ से कुछ टाइम लेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वाला अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक्ड आउट हो गया है और वो अकाउंट बिल्कुल शो नहीं होगा। तो हमें जब तक जो डेट थी उस डेट तक उस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, और हम अगर लॉगिन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।